A very good morning to all of you. So today we are going to start our new topic which is main features or characteristics of Vedic education. In this, we are going to study about the main features or the characteristics of Vedic education. The contemporary Brahmins and educationists have followed such a rigorous system of education in Vedic era that the Brahmachari अटेंड ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअलिस्टिक वर्टिकल ग्रोथ इन गुरुकुल्स फाइंड सो मैनी फीचर्स इन वैदिक एजुकेशन नंबर वन विद्या आरम्भ सेरेमनी द सेरेमनी इज कंडक्टेड एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड जब भी बच्चे का जो प्राइमरी एजुकेशन शुरू करना होता था तब यह सेरेमनी होता था एज वी कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द नेम विद्या आरम्भ यानी जब विद्या का आरम्भ होता था स्टार्टिंग होता था दस सेरेमनी इज़ रिलेटेड विद द एंट्री ऑफ द चाइल्ड इंटू फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ये सेरेमनी किस से रिलेटेड होता था जब बच्चे का एंट्री होता था फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में फॉर एग्जाम्पल स्कूल में ठीक है दिस रिलीजियस सेरेमनी स्टार्ट विदर्शपिंग ऑफ गॉड एंड गॉड इज लक्ष्मी एंड गणेश लक्ष्मी और गणेश की पूजा के साथ ही इसका स्टार्टिंग होता था एंड देन द टीचर राइट्स अल्फाबेट ऑन द स्लेट ऑफ द लर्नर और उसके बाद टीचर क्या करते थे स्लेट पर लिख करके अल्फाबेट उनको सिखाते थे बच्चे को लर्नर को द सेरेमनी अकर्स एट द एज ऑफ फाइव इन ऑल द कास्ट हर कास्ट में ये सेरेमनी फाइव ईयर्स के एज में होता था नंबर टू इज उपनयन सेरेमनी द वर्ड उपनयन मीन्स लीडिंग नीयर पास लीडिंग नियर किसी चीज़ के पास की यहाँ पे बात हो रही है डज इट कनोट्स टू टेक द स्टूडेंट्स टू द गुरु यहाँ पे हे 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 हम स्टूडेंट और गुरु की बात कर रहे हैं दिस सेरेमनी इज़ कंडक्टेड एट द टाइम वन द लर्नर इज गोइंग टू गुरुज़ आश्रम फॉर वैदिक एजुकेशन ये सेरेमनी कब कंडक्ट होती है जब जो है लर्नर अपने गुरु के पास उनके आश्रम में जाता है किसके लिए वैदिक एजुकेशन के लिए नंबर थ्री समवर्धन सेरेमनी समवर्धन सेरेमनी इज़ नियर टू द मॉडर्न टर्म कॉन्वोकेशन जो आज के टाइम में कॉन्वोकेशन होता है कब होता है वेन द चाइल्ड रिटर्न टू हिज़ होम आफ्टर टेकिंग हिज डिग्री एंड पासिंग ट्वेंटी फाइव गय गुरुकुल जब बच्चा पच्चीस साल बिता कर के गुरुकुल से अपनी डिग्री ले करके वापस आता है दिन ये सेरेमनी होता है नंबर फोर कॉन्टैक्ट विद नेचर नेचर के साथ कॉन्टैक्ट गुरुकुल यूज़ टू बी सिचुएट इन नेचुर एंड ब्यूटीफुल सराउंडिंग विद स्टूडेंट्स वुड कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ नेचर गुरुकुल्स कहाँ होते हैं जनरली गुरुकुल होते हैं नेचुरल जगहों पर जहाँ आस पास बहुत ही ब्यूटीफुल उनका एरिया होता है सराउंडिंग्स होते हैं तो एकदम नेचुरल सी शांत जगहों पे होता है जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो किसके साथ नेचर के साथ प्रकृति सो दे डिपेंडेंट फॉर देयर फूड मेडिसिन क्लोथ्स एंड शेल्टर ऑन दिस फॉरेस्ट सो जंगलों पे ही लोग अपने खाने के लिए मेडिसिन के लिए क्लोथ्स के लिए रहने के लिए डिपेंड होते हैं नंबर फिफ्थ गुरुकुल सिस्टम गुरुकुल सिस्टम होता है दिस आज द नेम इंडिकेट वॉज द फैमिली ऑफ द टीचर एंड हिज रेसिडेंस वेर द स्टूडेंट यूज टू स्टे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी गुरुकुल में क्या होता है स्टडी जब सीखने के लिए जाता है बच्चा तो गुरुकुल में रहता है गुरु के पास रहता है ग्रेजुअली द गुरुकुल वर एक्सटेंडेड टू इंक्लूड अंबर ऑफ बिल्डिंग हैॉज बिल्डअप अराउंड द फैमिल ऑफ टीचर द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट वॉज टू सर्व द टीचर एंड हिज़ फैमिली द स्टूडेंट्स वर लाइकली वर लाइक सन्स ऑफ द टीचर एंड द होल इंस्टीट्यूशन लिव लाइक अ फैमिली गुरुकुल होता है जहाँ पे बच्चे अपने गुरु के पास रहते हैं और गुरु कोई अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं जो उनका गुरु होता है उनको एज देयर फादर ट्रीट करते हैं और उनके बीच जो एक बॉन्ड होता है वो एकदम फैमिली रिलेशनशिप का होता है यानी कि अब आप टीचर के लिए आप उनके सन के जैसे होते हो और टीचर आपके लिए आपके फादर के जैसा होता है तो बॉन्ड क्या होता है बहुत ही ब्यूटिफुल बॉन्डिंग होता है नंबर सिक्स एज एट द कमेंसमेंट ऑफ वैदिक एजुकेशन इन्होंने यहाँ पे कुछ एजेस में डिवाइड किया है वैदिक एजुकेशन बिगेन आफ्टर उपनयन सेरेमनी ऑफ द चाइल्ड एट द एज ऑफ एट टू ट्वेल्व एट टू ट्वेल्व ईयर के बाद ये जो मतलब आपका वैदिक एजुकेशन जो स्टार्ट होता है ये उपनयन सेरेमनी के बाद होता है जो कि आपकी होती है आठ से बारह साल मनु हैज अडॉप्टेड द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल एजेस यहाँ पे कुछ क्रोनोलॉजिकल एजेस को डिवाइड किया इन्होंने कास्ट के बेसिस पे डिवाइड किया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्रो एट टू अलवन ईयर्स का इन्होंने यहाँ पे टाइम पीरियड दिया आई होप यू कैन सी दस इन द इन दिस पिक्चर इन दिस फिगर नंबर सेवन इज़ योर पीरियड ऑफ स्टडी स्टडी पीरियड क्या होता है यहाँ पे वन वे टू वे थ्री वे फोर वेद है उसके हिसाब से उन्होंने ट्वेल्व ईयर ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फोर्टी एट ईयर्यर्यर्यर्यर्यस और डिग्री को उन्होंने स्नातक बसूर उद्र आदित्य में डिवाइड किया है एकेडमिक सेशन होते हैं हॉलीडेज़ होती है द एकेडमिक सेशन बिगिन फ्रॉम फुल मून डे ऑफ सावन से शुरू होता है और पौष पे ये जो है पौष के महीने में जाके ख़त्म होता है फॉर्म ऑफ एजुकेशन इनका क्या होता है होल वैदिक एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ रिलीजन पे बेस्ड होता है पूरा जो इनका फॉर्म होता है द टेक्स करिकुलम एक्टिविटी एंड डेली रूटीन ऑफ ईच स्टूडेंट स्टार्ट एंड एंड विद सम रिलीजियस रिचुअल्स इन द आश्रम स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों रिलीजियस चीज़ों के साथ रिचुअल्स के साथ ही शुरू होती है फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन होता है एजुकेशन इन एंशंट इंडिया वॉज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल लाइक दैट ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट और एनी पोलिटिकल पार्टी यानी कि एजुकेशन बिल्कुल फ्री है किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का किसी भी पोलिटिकल पार्टी का कोई भी कंट्रोल उसमें नहीं होता ये सिर्फ किंग की ड्यूटी होती है इट वॉज ओनली द किंग्स ड्यूटी टू सी दैट द लर्न पंडित परस्यूड दियर स्टडीज़ एंड द ड्यूटी ऑफ एम पार्टिंग नॉलेज विदाउट इंटरफियरेंस इंटरफियरेंस फ्राम एनी सोर्स वॉट एवर यानी कि किंग का बस ये ध्यान ये ड्यूटी होता है कि वो ये ध्यान दे कि पंडित जो है वो अच्छे से स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं मैथड ऑफ एजुकेशन क्या होता है इनका द मैथड ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन वॉज जनरली ओरल ओरल में ही ये हर चीज़ों को सिखाते हैं द स्टूडेंट वर्क टू बी टॉट वेद्स अकॉर्डिंग टू द मनुस्पति द स्टूडेंट शुड फेस द नॉट शुड फोल्ड बोथ हैंड्स टुगेदर शुड वियर लाइट क्लोथ शुड एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ वेदिक स्टडी क्लास क्लास द फीट ऑफ द टीचर विथ क्रॉसड हैंड्स एंड शुड टच द राइट फुट ऑफ द टीचर मीन्स पूरा हर चीज़ एकदम अकॉर्डिंगली होता है लाइट क्लोथ्स पहन के नॉर्थ में फेस करके हाथ जोड़ करके पैर छू करके एंड एवरी थिंग फिर ओम वगैरह बोल करके इस तरीके से ये जो है पूरा एक मैथर्ड से इनका एजुकेशन होता है टाइम ऑफ टीचिंग क्या होता है <coughs> <coughs> द टाइम ऑफ टीचिंगज़ नो डिस्टिट फीचर इन गुरूकुल बिकॉज टीचिंग स्टार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गुरु थ्रू ड्रिल एंड रेसिटेशन होते हैं हिम्स होते हैं यानी भजन वगैरह होती हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो ओनली द ब्रेक एट आफ्टर नून आफ्टर लंच ओनली द ब्रेक एट नून नून में ही जो एक लंच ब्रेक होता है आफ्टर लंच टेक प्लेस एंड देन द टीचिंग टाइम इज़ फिक्स अप टू इवनिंग आवर्स मैथड ऑफ ट्रीटिंग इनका क्या होता है थ्री स्टेप्स होते हैं श्रावण मनन और निर्द्यासन या रियलाइजेशन मोनिटोरल सिस्टम होता है मॉनिटोरियल इन वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन द सुपीरियर एंड इंटेलिजेंट चाइल्ड वर सिलेक्टेड टू हेल्प देयर टीचर इन देयर एबसेंस यानी कि जो भी बच्चे होते हैं कुछ सेलेक्टेड होते हैं वो टीचर्स के एब्सेंस में और बच्चों की और लोगों की मदद करते हैं वो लीडर होते हैं एक तरीके के जो क्लास को संभालते हैं डिसिप्लिन देखते हैं रूल्स रिगार्डिंग स्टूडेंट लाइफ द स्टूडेंट ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट रूल्स रूल्स वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और उनको उनको फॉलो करना होता है गुरुकुल इन देयर हैबिट्स फूड क्लोथ डेली रूटीन एंड डेली कॉन्वर्सेशन एक्सेट्रा मतलब आपकी आदतों में आपका खाना पीना रूल हर चीज़ क्या होगा एवरी थिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन टीचर पीपल रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता था टीचर और पीपल के बीच एकदम फैमिली वाला रिलेशनशिप होता था टीचर जो है एकदम फादर की तरह होते थे और बच्चे एकदम सन की तरह ट्रीट करते थे दोनों को ही एक दूसरे का बहुत मतलब एक स्ट्रॉग बॉन्ड होता था टीचर को अपना बच्चे को मतलब पीपल को अपने टीचर का हर बात मानना होता था बहुत ही डिसिप्लिन uh, के साथ रहना पड़ता था पनिशमेंट था पनिशमेंट क्या था बहुत ही रिगरस डिसिप्लिन था यानी बहुत हार्ड बहुत ही टफ द स्टूडेंट वर पेनालाइज इन केस ऑफ क्रिएटिंग सम इन डिसिप्लिन थ्रू एडवाइजिंग सजेस्टिंग एंड नॉट प्रोवाइडिंग फूड उपवास फॉर देम उपवास uh, मिलता था उनको पनिशमेंट के तौर पे नो स्टूडेंट डेढ़ टू डिसोबे कोई भी डिसोबे नहीं कर सकता था किसी भी ऐसा नहीं आप कमांड को मानने से माना नहीं कर सकते थे फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल एजुकेशन इन एंशंट इंडिया वॉस एकदम फ्री था उस टाइम पे ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टेट पॉलिटिकल एंड अदर कंट्रोल किसी भी तरीके का अदर पोलिटिकल पार्टी का या आउटर कोई कंट्रोल नहीं होता था किसी भी स्टेट का एजुकेशन बिल्कुल फ्री था ऑल दो स्टेट्स अटैम टू परस्यू द गुरुकुल थ्रू इकोनॉमिक डिफेंस एंड अदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बट Interfered in their structure and mode of teaching. Kabibi ko bi bahari uh, jo hai uh, control nahi kar sakta. Tha. So, education is fully free uh, from any kind of control. Does the Vedic system of education develop a strong personality whose intellectual impulse was kept pure and alive? So, these all are the very important features of Vedic education, and I hope you can understand all these points easily. That's all for today. Thank you so much.